नमस्कार, आप सभी का स्वागत है के हरियाणा पर। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूं आपके साथ ऋतु बिश्नोई। तो शुरुआत करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट की, जो है रानिया खंड के गांव बनी से। रानिया खंड के गांव बनी में 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन करवाया गया। यह आयोजन नेहरू युवा क्लब के तत्वाधान में ग्राम पंचायत बनी व उम्मीद क्लब बनी के सहयोग से सफल हुआ। इस आयोजन में 4 राज्यों से लगभग 500 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे। और क्या कुछ रहा खास इस आयोजन में, आइए ले चलते हैं आपको सीधा बनी के खेल स्टेडियम में। आज हम पहुंचे हैं बनी के उस खेल स्टेडियम में, जहां पे नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में 3 दिवसीय ग्रामीण खेल उत्सव खेल महाकुंभ का आयोजन ग्राम पंचायत बनी और उम्मीद क्लब बनी के द्वारा आयोजन करवाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको मैदान की ओर लेकर के जाना चाहूँ तो यहाँ पे खेल इंडिया खेल एकेडमी एलनाबाद और कुसर गांव की टीमों के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि नेशनल कबड्डी का मुकाबला खेला जा रहा है। और अभी कुछ ही समय बाद इनमें से ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर किस टीम के खिलाड़ियों में कितना दम है और कितने अंकों से वो विजयी रही हैं। और इसके साथ साथ आगे यहाँ पे 2 मैदान बनाए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टीमें बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में समय बहुत कम था, तो ऐसे में एक साथ 2 जगह पे पैरेलल मुकाबले यहाँ पे देखने को मिले और 2 मैदान बनाए गए हैं नेशनल कबड्डी के। और इसके साथ साथ सर्कल कबड्डी के मुकाबले भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ रिले रेस, दौड़, कुश्ती और थ्रो इवेंट भी यहां पे आयोजित करवाए गए हैं इस खेल प्रतियोगिता के अंदर। अगर कुल मिलाकर के मैं मुकाबलों की बात करूं तो 100 के लगभग तरह के इवेंट, अलग अलग तरह के इवेंट यहां पे इस खेल महाकुंभ के अंदर आयोजित करवाए गए हैं ग्राम पंचायत बनी और उम्मीद क्लब बनी के द्वारा। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे आकर्षण की बात करना चाहूँ तो महिलाओं के मटका दौड़ व रस्सा कस्सी विशेष तौर पे इस खेल टूर्नामेंट के आकर्षण का केंद्र रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल मुकाबले ये चल रहे हैं और किस तरह से फाइनल मुकाबले कांटे की टक्कर के हो रहे हैं मुकाबले ये। एक तरफ जब खेल इंडिया खेल एकेडमी के प्लेयर ऑल आउट होने को होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेल इंडिया खेल एकेडमी जो है एकदम से उभर करके सामने आती है और कुसर की टीम को ऑल आउट होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे में अब यहां पे इस मुकाबले की अगर बात करूं तो यहां खेल इंडिया खेल एकेडमी एलनाबाद का एक ही खिलाड़ी बचा है और ऑल आउट होने को है। तो ऐसे में अभी कुसर गाँव की जो टीम है वो बढ़त जरूर बना रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसमें कुसर की टीम विजयी घोषित होने वाली है। जिला स्तर की हो, लेकिन इस जिला स्तर की टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन ग्राम पंचायत बनी और उम्मीद क्लब बनी के द्वारा करवाया जा रहा है। और इस जिला स्तर की टूर्नामेंट के अंदर देखिए खिलाड़ियों का जज्बा और जुनून कितना है कि हिसार, भिवानी, जींद के खिलाड़ी भी हरियाणा के यहाँ पे पहुँचे हुए थे इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। और इसके साथ साथ हिसार, भिवानी, जींद ही नहीं बल्कि राजस्थान और पंजाब के भी कुछ जगहों से, कुछ जिलों से यहाँ पे खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए जरूर आए थे। इतनी दूर दूर से खिलाड़ी जब आते हैं तो जाहिर सी बात है कि गाँव वालों का आना लाजमी बनता है। यहाँ पे मैं आपको दर्शकों की ओर लेकर के जाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पे खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक भी इस टूर्नामेंट को एंजॉय करने के लिए, इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक कोई भी इस टूर्नामेंट को देखने से वंचित नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पे मैदान जो बनाया गया है उसके चारों साइड 4-4 फीट की जगह छोड़ने के बाद रस्सियां लगाई गई हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं, खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑडियंस सपोर्ट दे रहे हैं, तालियों के साथ खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और ज्यूरी भी यहाँ पे साथ ही मैदान के साथ बैठी हुई है, जो कि ये फैसला लेगी कि आखिर कौन सी टीम विजयी रही और कितने अंकों से विजयी रही। तो
इसके साथ साथ गांव के साथ साथ बाहर के जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौजवान हैं, वो भी यहां पे आए हुए हैं। और खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं कितनी शालीनता के साथ यहां पे अनुशासन का परिचय दे रहे हैं और अनुशासन के साथ बैठ करके अपने मैच के होने का इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। और गाँव के लोग भी कितनी शालीनता के साथ बैठ करके इन सभी मैचों का आनंद ले रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट के अंदर लगभग 500 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी दोनों ही शामिल हैं। तो 500 से लेकर के 700 खिलाड़ियों तक के इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेने की संभावना यहां पे इस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा जताई गई है। और पहला ये ग्राम खेल महाकुंभ का आयोजन पहली बार ग्राम पंचायत बनी और उम्मीद क्लब बनी के द्वारा नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में यहाँ पे करवाया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे आसपास से टीमें जितनी भी आई हुई हैं, जितनी भी पड़ोसी राज्यों से भी टीमें आई हुई हैं, वो टीमें आखिर किस तरह का प्रदर्शन करती हैं, किस तरह के खेल का उत्कृष्ट यहाँ पे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन उन खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज की इस टूर्नामेंट, ये जो टूर्नामेंट चल रही है, ये 5 जनवरी से शुरू हुई थी और 7 जनवरी तक, यानी आज इस टूर्नामेंट का समापन होगा। और वो इसका उद्घाटन, इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करण सिंह चौटाला ने किया था। और आज समापन के अवसर पर पूर्व सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। वो यहाँ पे आकर के तमाम खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करेंगे और इस टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो समापन के समय किस तरह की यहाँ पे तैयारियां की गई है, किस तरह से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि आखिर यहाँ पे जो आयोजित होने वाले मैच हैं, जो मैदान पे तरह तरह की गेम आयोजित होने जा रहे हैं, किस तरह से खिलाड़ी अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उन मैदान की ओर। Yeah.
काफी शानदार रेडर Thank you.
भाई जन में ओपन वर्ग में लड़कियां, भाई जन ओपन वर्ग लड़कियां स्टेज के पास आ जाए। भाई जन ओपन वर्ग में लड़कियां, मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ पास हूँ यार।
मकोरा की टीम 40 करोड़ का सौ मीटर खेल पहुंच गया 100 मीटर लास्ट कॉल मकोरा मकोरा ही नगरा अपने खेल इंडिया खेल की आ गई स्टार्ट करा रही रेफरी साहब सुन रहे हैं कानूनो 1500 मीटर कानूनो कोई वेट नहीं क्योंकि पहला राउंड सारिया टीम कर चुकी है कोई वेट का पंगा नहीं अजय के बाद सुनील कुमार कालू राम के बाद वो भी आ जाना उम्मीद कला पर कालू राणा टीम के लिए विजेता थे पंद्रह सौ मीटर वर्ल्ड ओपन में सीता उम्मीद क्लब कारुआना 40 किलो छोटी सीता ग्राउंड को सीता गंगानगर जीवन नगर जल्दी तो जल्दी 56 किलो गंगानगर जीवन नगर सीता के बाद विक्की विक्की गर्ल त्रिकोण
मान कितने सरपंच एसोसिएशन के प्रधान अमन सिंह नंदीवाल, संतपुरा और खेल इंडिया की दोनों टीमों के साथ। तीन दिनों तक चला यह जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में 500 से ज्यादा महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बनी के खेल स्टेडियम में आए हुए दर्शकों, खिलाड़ियों व मुख्य मेहमानों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हमारे यहाँ लगभग सारी टीमें आई हुई हैं और शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, रिले रेस, 400 रेस और 5000 रेस, सारी रेसें करवाई जा रही हैं हमारे यहाँ। और खाने पीने का भी सारा प्रबंध है हमारे यहाँ। और जो भी बाहर से टीम आई हुई है वो भी हमारा सहयोग कर रही है पूरा, और गांव वाले भी है ना जो पूरी तरह से हमारे सहयोग में बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन से, ग्राम पंचायत में लगभग इस तरह के आयोजन करवाती है, किस तरह आप मानते हैं? हम बहुत अच्छे से मानते हैं कि हमारे यहाँ पे दूसरी बार, पहली बार करवाया गया है गेम। हाँ, हमारे गेम ये पहली बार हुआ है। हाँ, पहली बार हुआ है हमारे यहाँ जिला स्तर का, और लगभग टीमें बाहर से ही ज्यादा आई हुई है। मुझे इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छे गेम होते हैं, यहाँ सभी बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं सुबह, और सभी अच्छे गेम होते हैं इस टूर्नामेंट में, और सबसे अच्छा उम्मीद क्लब है जो ये टूर्नामेंट करवा रहा है। थैंक यू। अरे यहाँ पे बहुत सारा टूर्नामेंट हुआ है, इस टूर्नामेंट में बहुत सारे खेल, बहुत सारे गांव के बच्चे अपनी टीम लेके आए हैं जो बहुत खुश हैं, और हमारे ये टूर्नामेंट में प्राइजेस हैं, बहुत कुछ है टूर्नामेंट देखने के लिए, सीखने के लिए। उम्मीद क्लब की तरफ से मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि उम्मीद क्लब वालों ने हमें इतना मौका दिया और इसलिए हमें इतने खेल, पहली बार हमें इतना मौका मिला है। थैंक यू। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी बात यही है कि उम्मीद क्लब, जो बनी ने क्लब बनाया हुआ है, उसने बहुत अच्छी तैयारियां करवाई है। उम्मीद क्लब के थ्रू ही लड़कियों को भी अच्छा मौका मिला है, और हम इस उम्मीद क्लब के बहुत बहुत आभारी हैं कि हमें घर से ग्राउंड तक पहुँचने का मौका मिला है, इसलिए हम इस उम्मीद क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे? हमारे गांव में उम्मीद क्लब बनी की ओर से, ग्राम पंचायत बनी की ओर से, वह नेहरू युवा केंद्र सिरसा के तत्वाधान में ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसके अंदर जिला स्तरीय के अंदर, सिरसा जिला के अंदर और बाहर से दिल्ली, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, पंजाब से भी टीमें आई हैं जिन्होंने अपना जौहर दिखाया। हमारे यहाँ पे रस्सा कसी, 45 साल से ऊपर मटका तोड़, जैवलिन थ्रो, कबड्डी, ओपन, सर्कल स्टाइल, दोनों स्टाइल की जो हमारे यहाँ कबड्डी प्रतियोगिता हुई है, उसके साथ साथ ऑल एथलेटिक्स इवेंट, उनका भी यहाँ पे प्रतियोगिता करवाई गई। उसके अंदर काफ़ी खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई की, यहाँ पे मान लो पार्टिसिपेट किया, उनका हम यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उम्मीद क्लब बनी
हमेशा इसी तरह से आगे से भी यही प्रोग्राम करवाता रहेगा। उम्मीद क्लब बनी के द्वारा ये कराया जाने वाला 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में आज तीसरा दिन अंतिम दिन प्रगति पे है। इसमें लगभग पंजाब से तलवंडी सागो की ओर और हरियाणा में लगभग इधर जींद साइड में और राजस्थान में गंगानगर साइड से टीमें बहुत टीमों में भाग लिया है और इसमें उम्मीद क्लब के शौक से ये जिला स्तरीय नेहरू युवा संस्थान केंद्र के द्वारा ये 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता चल रही है और इसमें ग्राम पंचायत का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, शौक है और उम्मीद क्लब के मेम्बर को मैं यही बधाई देता हूँ कि आगे इसी तरह प्रगति करते रहें और उम्मीद क्लब एक जिला स्तरीय लेवल पर एक अच्छा क्लब बन के आगे आए। धन्यवाद। हाँ जी, ये गाँव बनी के द्वारा टूर्नामेंट करवाई गई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ पे रहने की बहुत अच्छी फैसिलिटी और बच्चों को आगे जाने का मौका दिया जाएगा और इस टूर्नामेंट के द्वारा बच्चों को प्रेरित किया गया है, नशे पत्ते के खिलाफ प्रेरित किया गया है और ये बनी गांव का बहुत ही अच्छा उपराला है। मैं उम्मीद क्लब को ये बधाई देना चाहता हूँ जो कि ये उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज करवाया है और यहाँ पे दूर दूर से टीमें पहुँची हैं और यहाँ पे आपका प्रदर्शन कर रही हैं और हमारे गांव बालासर की टीम भी रिले टीम है, यहाँ अंडर 17 में अंडर 14 में दोनों टीमें फर्स्ट आई हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले गाँव बनी और उम्मीद क्लब है उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे अनेक तरह के दूर दूर से खिलाड़ी पहुँचे हुए हैं और ग्राउंड को देखकर ऐसा लगता है कि जहाँ पर रेता जरूर है, मतलब अच्छी जगह है, ठीक है, इसलिए इसे रेत नहीं लग पाती, इसलिए बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों का अच्छा धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। टूर्नामेंट सानू बहुत वधिया लगे जी, आ गए टूर्नामेंट के बच्चे साढ़े भाग लिया, बहुत सोहना लगे, इतों की जिन्हें भी इन्होंने किया साढ़े बहुत अच्छा लगे सानू, अगे तो अगे करवाते रहेंगे, असीं भाग लेंदे रहेंगे, आके बच्चों को गांह तक प्रेरित करते रहेंगे, ठीक है जी, जिन्ना भी सानू सहयोग मिला बहुत सोहना मिला जी, थैंक यू। थैंक यू। मैं अपने भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे साथ सहयोगी हैं, जो मुझे यहाँ पे लेके आए, इस लेवल तक पहुँचाया, पिचपन के जी में मुझे फर्स्ट नाम दिलवाया है, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जी। भाई साहब सारों को नमस्कार, हमारे गांव में बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें सारे इलाका निवासी हमारा साथ दे रहे हैं, इसमें सभी खिलाड़ी पूरा योगदान से सच्चे मन से खेल रहे हैं। बहुत वधिया लगा जी, इतने बहुत ज़्यादा इकट्ठ होया जी, असं अज रस्से का मैच लाने आए असी हरिपुरे तो जी, बस बहुत वधिया जैसा होना कीता है, बहुत ज्यादा चंगा उपराला कीता मुंडिया ने क्लब ने, आने वाले टाइम दे विच वधिया करदे रहन, चंगी गल आ, नौजवान नशियां तों बचणगे, खेडां वर मुंडे जुड़नगे, जिहड़े जुड़दे आ, बाकी साडा पिंड हरिपुरा जी उस ते बहुत वधिया कर रहे आ, इत्थे टीमां आउणगीआं, मैच लगदे रहिंदे आ, हर पिंड च जिहड़े मुंडे आ इस बारे नाल जुड़नगे, गेमां करनगे, जिहड़ी वी गल आ, इक मेन जी नशा है जी अजकल उन्होंने बचने के, गेम प्रमोट हो रही है, इस चीज़ नाल नशा डाउन जाऊगा, गेम तां जाऊगी, कोई चंगी टीम प्लेयर मिलता खेडन किसी चीज़ में, मतलब अपने इलाके में कोई इतों जाता है, कोई ओलंपिक खेडता, कोई ना तो इतों पिंड का ही होना जी, कोई इलाके का ही होगा, चलो वधिया, बहुत चंगी चीज़ की इन्होंने खेडने बारे, बहुत वधिया जी। ये जो टूर्नामेंट है वो उम्मीद क्लब बनी और ग्राम पंचायत बनी ने करवाए हैं और यहाँ का आयोजन बहुत ही बढ़िया है, अब दूर दूर से टीमें आई हुई हैं, जींद से, हिसार से, फतेहाबाद से और बहुत सारी जगह से टीमें आई हुई हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बहुत ही कंपटीशन की भावना भी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बढ़िया है कि हमारे गांव में टूर्नामेंट है और सभी बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है, ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, ऐसा टूर्नामेंट कहीं भी देखने को नहीं मिलता, मैं उम्मीद करती हूँ कि भी इस तरह के खेल होते रहे। और अपने यहाँ बणी के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार मैं आ रहा हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ गणी गाँव वालों को जिन्होंने गाँव सत्र पर इतना बड़ा आयोजन किया। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी गेमें हुई, यहाँ पर अपने लड़के और लड़कियों की अपने नेशनल स्टाइल कबड्डी और लड़के और लड़कियों की सर्कल स्टाइल कबड्डी, इसके अतिरिक्त लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेस, मटका दौड़ और अपने एथलेटिक की जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं लगभग सभी यहां पर करवाई गई। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि गांव के अंदर, एक गांव के अंदर इस प्रकार की इतनी बड़ा खेल मेला आयोजन होना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे इलाके की जो है उम्मीद बंधी है उम्मीद क्लब, एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो सरपंच हैं, वो एक बहुत अच्छा सहयोग है, जब इस तरह के लोग सहयोग देने वाले, इस तरह के दिन के दिन बच्चों का हौसला बढ़ता है और आने वाले दिनों में ये हब बन जाएगा, ये एक बहुत बड़ी एक पहचान बनेगी इसमें और हमारे लिए ये बहुत सुख का एहसास है कि हमारे बच्चे गेम्स के अंदर आगे जा रहे हैं, कम बच्चों से दूर रहेंगे, आप बहुत सी इससे जुड़ी हुई है। और मैं तो बार बार देना चाहूँगा और मैं तो जब भी यहाँ पर
हमारे गांव बनी में उम्मीद क्लब बनी और ग्राम पंचायत के द्वारा पहला खेल महाकुंभ 5 जनवरी को शुरू हुआ था जो अभी चल रहा है। और ये पहला खेल महाकुंभ है ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के बहुत दूर दूर से खिलाड़ी भाग लेने के लिए आए हैं। और कम से कम 400 खिलाड़ी रात को भी यहाँ ठहरने की व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा और उम्मीद क्लब के द्वारा की गई है। तो मैं इस तरह के आयोजन के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनी की तरफ से इन सबको बधाई देता हूँ, उम्मीद क्लब को, ग्राम पंचायत को और ग्राम वासियों की एक बहुत बड़ा सफल आयोजन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस तरह के आयोजन से हमारे जो बच्चे हैं उनको अभी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इससे सीखते हैं कि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में बढ़े, कि उनमें प्रतियोगिता की भावना, उनमें स्टैमिना और उनमें इस चीज़ की जो एक उनमें एक लीडरशिप के गुण भी पैदा होंगे कि वो किसी भी क्षेत्र में जाए कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये है कि ये आसपास के जो आंचलिक हैं उन लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध हुआ है कि जो प्रतिभा छुपी हुई है उनको एक बाहर निखरने का मौका भी मिला है कि ग्रामीण लोग हैं उनको पता नहीं है कि कितनी प्रतिभा उनमें, परंतु यहाँ उनको अपनी प्रतिभा निखारने का दिखाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया है। न्यू यूथ घोड़ा वाले से हूं मैं और यहाँ के हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ पे और मैंने 400 मीटर की रेस में 3rd स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद संजीव, ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा, इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया, हम बहुत अच्छे से खेले, सब खेल की भावना से खेले और यहाँ पे अच्छी तरीके से कराया गया ये सब। इस टूर्नामेंट का आयोजन हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम यहाँ पर खेलने आए थे और हमने जीत हासिल भी की और इनका खाने पीने का अच्छा भी प्रबंध रहा। स्थान आपने हासिल किया टूर्नामेंट में, हमने 3rd स्थान प्राप्त किया और इससे हमें बहुत खुशी हुई कि हम यहाँ पर भी खेलने आए। अब घोड़ावाड़ी से यहाँ पे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और धन्यवाद करूँगा मैं उम्मीद क्लब व नेहरू युवा केंद्र की तरफ से कि नेहरू युवा केंद्र के सहयोग और उम्मीद क्लब के बहुत ज़्यादा मेहनत का ये परिणाम है कि इतना बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे। रानिया, फिर सिरसा, फिर बैठे के नाम सार, ये बंगलोर जाना है। अच्छा, बंगलोर कब जाना है? अगले महीने की 25 तारीख। हाँ। अच्छा, यहाँ इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहोगे? अच्छी बहुत है टूर्नामेंट तो गाम गान बधाई हुआ है। ये मैं सबसे पहले तो बहुत ही बधाई की पात्र है जो उम्मीद क्लब है उसका मैं धन्यवाद करूंगा जो निरंतर पहले भी एक बार इन्होंने टूर्नामेंट कराया था, अब भी करा रहे हैं और विशेष तौर पर धन्यवादी रहूंगा ग्राम पंचायत बनी का और हमारे युवा साथी सरपंच राम सिंह जी का जिन्होंने पूरा ये आयोजन किया है। इसमें मैं तो समझता हूं कि जो बच्चे हैं वो नशों से हटकर जो उनका लगाव है खेलों की तरफ बढ़ रहा है और खेलों से ही एक प्रेम प्यार बढ़ता है और बच्चों का आपस में वाद विवाद ना होकर एक दूसरे से संवाद करते हैं, खेलों के जरिए एक दूसरे को मिलते हैं और आगे नए रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल, पहले जैसा सुनने में आता था और देखते भी थे कि ये एरिया राजस्थान से साथ लगने के कारण यहाँ पर नशों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा था और उम्मीद क्लब के जो सदस्य हैं बहुत होनहार लड़के हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पर नशों पर कवरेज जो नशों के ऊपर लगाम लगाई है। अब जो खेलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ रहा है और हम उम्मीद क्लब से यही उम्मीद करेंगे कि वो आगे गांव के और एरिए के बच्चों के लिए एक मिसाल बने ता जो गाँव एरिए के बच्चे नशों से हटकर खेलों की तरफ रुचि ज्यादा दिखाएंगे। इस खेल महाकुंभ में अकेले युवा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक बुजुर्ग खिलाड़ी भी मौजूद रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नथौर गांव के रहने वाले मनीराम जी की। भले ही उनकी उम्र 85 साल की हो लेकिन उनका खेलों के प्रति जुनून और जज्बा काबिले तारीफ है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। तो खेलों का जीवन में कितना महत्व है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक जिंदा उदाहरण आपको जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
क्योंकि मेरे साथ अभी इस वक्त जो ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनकी उम्र होगी लगभग 85 साल, और 85 साल की उम्र में भी ये बुजुर्ग दौड़ते हैं। अब आप ये सोच करके हैरान होंगे कि 85 साल की उम्र में के बुजुर्ग से चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये दौड़ते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, और इस सच्चाई का प्रमाण है ये सर्टिफिकेट, ये 27वीं हरियाणा मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि हिसार के गिरी सेंटर में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गिरी सेंटर में आयोजित की गई थी, और उसमें इन ताऊजी ने प्रथम स्थान हासिल किया था, वो भी 100 मीटर रेस के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, केवल 25 सेकंड के अंदर इन्होंने 100 मीटर रेस तय की थी। तो ऐसे में ये एक जीता जागता उदाहरण मेरे सामने बैठा है। तो इसी का परिणाम है कि ये बचपन से खेलों का इनके साथ लगाव था, और उसी लगाव के कारण आज ये 85 साल की उम्र में भी, जहाँ पे 85 साल का बुजुर्ग चारपाई ले लेता है, चारपाई से उठा नहीं जाता, उसी उम्र के अंदर ये मणिराम जी आज दौड़ लगाते हैं। वाकई में एक सराहनीय कार्य, काबिले तारीफ इनकी ये जो मिसाल पेश की है इन्होंने, वो वाकई में है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर इनका खान पान कैसा है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से ये दौड़ लगा लेते हैं, कैसे अपने आप को इन्होंने मेंटेन रख रखा है। ताऊ जी, आपका गांव कौन सा है? नथौर। नथौर, नथौर गाँव है। ताऊ जी, उम्र कितनी होगी आपकी? 83 साल बताती हूँ थोनू। 83 साल होगी। अच्छा, आप खाते पीते क्या क्या हो? पीते दूध सगे रोटी खाते हैं जी। दोनों टाइम दूध सगे रोटी खाते हैं जी। तो फिर पाठ पड़ती है। अच्छा, दूध के साथ रोटी खाते हो? घी वगैरह, दही, लस्सी वगैरह कुछ? लस्सी वगैरह नहीं खाते। अच्छा, दूध सगे रोटी खाते हैं। अच्छा, और खेत में भी काम कर लेते हो? तो खेत चाहिए, अड़ी पैजे नहीं तो कर लेना। अच्छा, किस तरह का काम करते हो खेत? काम करते हैं गे, जे पशुओं का हरा वड के लेना हो तो हरा वड ले आना। अच्छा, कितने पशु रखते हो आप? पशु 10 हैं, 2 छोरे हैं, 5 मैया हैं। दस पशुओं का हरा चारा आप खुद बांट ले आते हैं? अच्छा, बांट के और गाड़ी में गाल के ट्रैक्टर के ले आते हैं, सागे छोड़ा ले जाते हैं एक। तो ताऊ जी, आपने दौड़ लगानी कब से शुरू की थी? आप दौड़ लगानी एलनाबाद गए थे? अच्छा, एलनाबाद में दौड़ लगा के असार जानते रहे। अच्छा, एलनाबाद के बारे में आपको किसने बताया? एलनाबाद के बारे इन्होंने बताया, सरपंच ने, भी एलनाबाद जाना है आपको। एलनाबाद मैं जाता रे, आप मैंने कहा अभी जाना है दादा, मैं तैयार हूँ। एलनाबाद जाने से पहले भी आप गांव में दौड़ लगाते थे सुबह? माड़ी मोटी जी, माड़ी मोटी दौड़ ला लेने ग्रां च। इतनी उम्र के अंदर लोगों से, वैसे दूसरे अगर आपके साथियों को देखें तो शायद चला भी नहीं जाता होगा उनसे, और आप दौड़ कैसे लगा लेते? दौड़ लगा लेते हैं, दौड़ लगा लेते हैं। अच्छा, अभी आप लगा के दिखा सकते हो दौड़? हाँ, दौड़ लगवानी है लगवा लो। अच्छा, लगा के दिखा सकते हो ना? हाँ हाँ। अच्छा, आपको दौड़ भी दिखाएंगे ताऊ जी, कि आखिर किस तरह से ये दौड़ते हैं इस उम्र के अंदर। लेकिन कुछ एक सवाल और, तो ताऊ जी, आपने ये जो रेस जीती थी, इसमें कितने और आपके साथ लोग थे जो आपके साथ भाग लेने वाले? कोई नहीं थे, आया ही नहीं मुकाबले में। मुकाबले में नहीं आया। अच्छा, कोई एक भाई था। अच्छा, अकेले थे आप 85 साल? हाँ हाँ, अकेला था। अच्छा, तो अभी आगे आप कहाँ जाने वाले हो? आगे जावांगे बंगलोर। बंगलोर, हाँ ठीक है। कब हैं? कब जाओगे? अगले महीने च। अच्छा, अगला महीना आएगा उधर जाऊंगा। वहाँ पे क्या लगता है आपको, वहाँ पे भी आप प्रथम आओगे? हाँ, देखी जी होता, मालिक की मर्जी। आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो कुछ? तैयारी करांगे। अच्छा, लगांगे सवेर तो। ठीक है, हाँ लाजमी लगांगे। चलिए, तो ये थे मणिराम जी, जो 85 साल की उम्र में भी दौड़ लगाते हैं। ये इनकी एक मजबूती की मिसाल, अगर मैं इसको कहूँ तो कुछ गलत ना होगा। लेकिन ये इस दौड़ लगाने के काबिल कैसे हुए, ये जैसे ही खेल इंडिया खेल स्पोर्ट्स एकेडमी एलनाबाद के संपर्क में आए, तो इनको पता चला कि गांव से बाहर, सिरसा से बाहर भी एक टूर्नामेंट होती है, जिसमें बुजुर्गों का
पार्टिसिपेशन होता है उसी खेल इंडिया खेल स्पोर्ट्स एकेडमी में, जैसे ये गए तो जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे बुजुर्गों की दौड़ होती है, और फटाक से खेल इंडिया खेल स्पोर्ट्स एकेडमी के जो संचालक है उन्होंने बिना किसी देरी के उनको एडमिशन दे दिया, और हिसार में हुई आयोजित इस स्पोर्ट्स मीट के अंदर इनको पार्टिसिपेट करवाया और वहां से प्रथम स्थान हासिल किया, और अभी आगे राज्य स्तर की जो खेल प्रतियोगिता होने वाली है वो आगे बेंगलोर में होने वाली है, उसमें ये ताऊजी हिस्सा लेंगे, और इनको उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाली बेंगलोर की खेल प्रतियोगिता के अंदर भी ये प्रथम स्थान हासिल करेंगे, क्योंकि वाकई में जज्बा जुनून इनका वाकई काबिले तारीफ है, वाकई देखने लायक है। और यहाँ पे मेरे साथ खेल इंडिया खेल स्पोर्ट्स एकेडमी के जो संचालक हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर वो मनीराम जी को किस तरह से तैयारी करवाते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेल इंडिया खेल स्पोर्ट्स एकेडमी में मनीराम जी कैसे आए? मनीराम जी का देखो एक सब वो होता है, इत्तफाक होने वाली बात होती है। हमने 31 जो है उसको 2017 को 31 दिसंबर को हंसते खेलते विदा करने के लिए बड़ों का मैच रखवाया था, और इसका प्रचार प्रसार मैंने जाके स्कूलों में किया, बच्चों को कहा भी आप अपने पेरेंट्स को भेजिए, दादा दादी को भेजिए, तो इसमें लगभग 250 के पार्टिसिपेंट आए थे 31 को, तो उसमें ये भी आए सैनपाल के सरपंच जो हैं वो दिलराज सिंह, वो भी जीत के आए थे, आपको शायद ध्यान होगा, और काफ़ी लोग जैसे बड़े 104 साल के बुजुर्ग भी आए, मुझे बड़ी खुशी हुई 104 साल के 103 साल के वहाँ बुजुर्ग भी पहुँचे, और ये हमारा फर्स्ट इवेंट था, और हमने 2017 को विदा करने के लिए वो किया, और उसी में इन्होंने जो 23 सेकंड के अंदर जब ये दौड़ के सबको दिखाया तो सब ने दांतों तले उंगली दबा ली, और उसी दिन हमने स्थान लिया कि इनको हिसार भी लेके जाएंगे, और जब हिसार गए तो यही परिणाम वहाँ पे भी ऐसा ही आया, वहाँ 25 सेकंड लगे क्योंकि वो ट्रैक पक्का था, थोड़ा सा एक वो हो जाता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँगी इस तरह का कोई चीज थी, अदरवाइज़ वहाँ जितने भी कोच वगैरह वो मिले वो उन्होंने कहा जी ये 100% हम जो है ना विदेश तक हम ये जाएंगे, इंटरनेशनल तक ये प्लेयर जाने वाला है, इसको थोड़ी सी तैयारी, और मैं अब इनके पूरा ध्यान रखूँगा कि रोज़ाना इनके ऊपर कोई ना कोई नज़र रखी जाए, और कोच भी कभी भेजूँगा, कभी उनको यहाँ भी बुलाऊँगा, मेरे वहाँ पर बुला के भी दौड़ाया करूँगा, और हम ना एक और डिसीजन लेने जा रहे हैं कि हर महीने की लास्ट संडे को बुजुर्गों का मैं हमेशा वहाँ पर मैच करवाऊँगा खेल इंडिया खेल में, और मेरा एक सपना है कि मेरे इलाके के जो है एक पहचान बने खेल इंडिया खेल, और यहाँ के लोग भी जाएं, जैसे कि हमारा भिवानी में कहते हैं कि मुक्केबाज पैदा होते हैं, रोहतक में हमारे जो पहलवान होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे भी जो है इस तरह टैलेंट की कमी नहीं है, मगर यहाँ थोड़ा सा शायद अभी ज़रूरत है उसको निखारने की, और कोशिश है मेरी आप लोगों के सहयोग से ऐसा हो पाएगा। भिवानी में मुक्केबाज पैदा होते हैं और रोहतक में जो पहलवान पैदा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दौड़ने वाले बुजुर्ग पैदा होते हैं। वो क्या बात है, मैं दौड़ने वाले नहीं, मैं कहता हूँ हर चीज़ यहाँ पे हर चीज़ है, इस उपजाऊ मिट्टी में हर जो पौधा खिलने वाला है, यहाँ आप देख लीजिए जीवन नगर में हॉकी ने बुलंदियाँ छू रखी हैं, है जी, और हमारे यहाँ पे भी बहुत कुछ है यहाँ का, बल्कि मैं ये कहूँ कि एरिया वाइज अगर हम देखते हैं, खान पान का देखें, चाहे सेहत में देखें, हमारी जो जवानों की हाइट देखें, मैं अलग अलग जगह पर जाता रहता हूँ, तो ये एक एरिया अलग एरिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर यहाँ पर बस एक ऐसा ही बन गया माहौल बन गया है कि ये एक बच्चा है ऐसा है वो है, तो वो थोड़ा सा इनका डर निकाल रहे हैं, जब बुजुर्ग मैदान में आएंगे तो बच्चों को जरूर भेजेंगे। ये हमारा सर मनीराम जी के बारे में थोड़ी सी मैं बात आपसे कर रहा था, तो मनीराम जी जैसे ही आपके पहली बार संपर्क में आए तो आपने इनको पहली बार दौड़ते हुए देखा था या उस समय दौड़ लगवा के देखा? मेरी जब इनसे वैसे ही बात हुई कि इवेंट जब चल रहे हैं तो इन्होंने कहा कि मैं भी दौड़ूंगा, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो एक्चुअल में 80 से ऊपर वालों को मैंने स्टेज दिया था कि मेरे उस दिन के चीफ गेस्ट हैं जो 80 से अबव जो होंगे वो स्टेज पे बैठेंगे, चाहे हमारे और कितने भी चीफ गेस्ट आए वो नीचे बैठेंगे, तो जैसे ही इन्होंने ये हुआ कि हाँ भी कोई भी दौड़ सकता है तो इन्होंने अपना नाम दिया कि मैं भी दौड़ूंगा, और उसी दिन ये दौड़े और उसी दिन हमें पता लगे इसका। अच्छा, उसके बाद में जैसे हिसार में ये चैंपियनशिप हुई प्रतियोगिता हुई तो आपने उसमें इनका उसमें मैं अपने यहाँ पे कैंडिडेट्स को लेके गया, अपने खर्चे पे हम लेके गए, कोई किसी तरह का कोई किराया भाड़ा कुछ नहीं, ताकि इस एरिया में थोड़ा सा डेवलप हो सके, और मैं विशेष करके बनी के मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि बनी के जो क्लब जो उम्मीद क्लब है इससे मेरे एरिया को बहुत बड़ी उम्मीद है, और मैं कहता हूँ कि ये पूरी होगी 100% पूरी होगी, और जब हम आप जैसे सब लोग मिलके करेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हम बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। मनीराम जी का अगला टूर्नामेंट कहाँ पे और कौन से स्तर का टूर्नामेंट? अगला टूर्नामेंट इनका बेंगलोर में होगा, वो नेशनल लेवल का होगा,
और 21 फरवरी को होगा और हम 21 फरवरी को वहां जाएंगे और सबकी दुआओं की वजह से और इनकी मेहनत की वजह से हम वहां से गोल्ड मेडल लेके आएंगे। उस टूर्नामेंट को लेकर के मनीराम जी किस तरह की खास प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो हम अपनी देख रेख में उनको करवाएंगे गांव में, जैसे भी हमने अभी इनसे कहा है, चाहे आप खेत जाते हो डेली 5-4 किलोमीटर जाते हो, उसमें आपने 2-3 बार रास्ते में दौड़ लगानी है। खुराक इनकी पहले हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, वो दूध दही का खाना इनका है, वो खाते ही है खाते हैं और किसी तरह का इनका नहीं है, बाकी अच्छी सेहत पड़ी है। सबसे बड़ी बात एक और मैं बता दूँ आपको कि जो भी 100 मीटर तक आप भी देखते रहते हो मैच, 100 मीटर की जो बहुत हीट होती है उसमें प्लेयर जो है ना जाते जाते गिरने तक हो जाता है। इनका ऐसा था कि इन्होंने जंप मार के अपना वो क्रॉस किया और नॉर्मल वापस आ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। स्टेमिना इस आदमी के अंदर बहुत है और ये 100% नेशनल और इंटरनेशनल भी गोल्ड मेडल हमें नवाजेगा 100%। शुक्रिया सर। तो देखा आपने किस तरह से कितना जज्बा इस एक बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर है। 85 साल की उम्र का जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो 100 मीटर की रेस महज 23 सेकेंड कच्चे रास्ते पे और 25 सेकंड पक्के ट्रैक पे तय कर लेता है। तो ऐसे में वाकई मैं बार बार यही कहता हूँ कि वाकई काबिले तारीफ एक इनका जज्बा और जुनून है। बचपन से ही शौक बता रहे थे वो कि उन्हें दौड़ने का शौक था, जैसे जैसे बड़े होते गए दौड़ते गए, लेकिन बुजुर्ग जब हुए बुढ़ापे की ओर जब इन्होंने कदम रखा तो शायद कुछ समय के लिए इन्होंने अपना जो खेल है वो छोड़ दिया था और उसके बाद में फिर से जब खेल इंडिया खेल स्पोर्ट्स अकेडमी के द्वारा 31 दिसंबर 2017 को जब 2017 साल को अलविदा कहा जा रहा था तो उस उपलक्ष्य में एक टूर्नामेंट रखा गया तो उसमें इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो उसका परिणाम आज ये निकला कि आज ये 21 फरवरी को होने वाली राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 7 जनवरी को समापन हो गया। वहीं उद्घाटन युवा इनेलो नेता करण चौटाला ने किया तो समापन पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता चौधरी रणजीत सिंह ने किया। इसी दौरान चौधरी रणजीत सिंह व वनी गांव के सरपंच राम सिंह सहारण बातचीत की मेरे सहयोगी संवाददाता आरजे ने। तो इस खेल महाकुंभ की समापन का समय हो चुका है, ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से टक्कर के कांटे की टक्कर के मुकाबले आपको देखने को मिले। अब वो समय आ चुका है जब इस 3 दिनों तक चलने वाले खेल महाकुंभ का समापन होगा और समापन के दौरान जो आज के मुख्य अतिथि बने हैं पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी रणजीत सिंह जी, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी कुछ ही समय बाद इस समापन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ स्टेज पर दिखा देना चाहता हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह के साथ तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद हैं और उनके साथ जो ग्राम पंचायत बणी के सरपंच हैं राम सिंह सहारण, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका स्वागत किया गया है, स्वागत करने के बाद उनको स्टेज पे ले जाया गया और अभी कुछ समय बाद यहाँ पे जो समापन करने की जो प्रक्रिया है आज के इस 3 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ का समापन अभी कुछ ही समय बाद होने वाला है। और इधर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग चौधरी रणजीत सिंह जी का समर्थन करने के लिए यहाँ पे उमड़े हुए हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी के बारे में मैं बता दूँ कि ये एक ऐसी महान शख्सियत हैं जिनका नाम ईमानदार और वरिष्ठ नेताओं के अंदर लिया जाता है, क्योंकि ये वो नेता हैं जो चुनावों के समय में नहीं बल्कि चुनावों से पहले भी और चुनाव के बाद भी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लोगों के बीच
रहते हैं। तो अभी कुछ ही समय में समापन की ओर ये टूर्नामेंट जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग चौधरी रणजीत सिंह जी अपने प्रिय नेता का समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इधर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि समापन करने के लिए आज के मुख्य अतिथि यहाँ से चल पड़े हैं, निकल दिए हैं। तो कुछ ही समय बाद यहाँ पे समापन की जो रस्म जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। तो चलिए हम भी आपको उस मैदान की ओर ले चलते हैं जहाँ पे आज की इस टूर्नामेंट के फाइनल दिन के फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं और चौधरी रणजीत सिंह जी की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पे ये मुकाबले खेले जाएंगे। और देखते हैं कि किस तरह के मुकाबले आज इस टूर्नामेंट के अंतिम समय के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, किस तरह की टक्कर के मुकाबले देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे दौड़, रिले रेस और मटका दौड़, रस्सा कसी, कबड्डी, सर्कल कबड्डी, ओपन कबड्डी, तमाम तरह की जो क्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं, जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, उन प्रतियोगिताओं में अच्छे से मुकाबले हमें देखने को मिले। पूरी तरह की कांटे की टक्कर के जो मुकाबले रहने वाले थे वो देखने को मिले। तो यहाँ पे आप भीड़ भी देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग आसपास के गाँव के भी आए हुए हैं और गाँव बणी के भी लोग यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ इस टूर्नामेंट के अंदर ये हालांकि जिला स्तर की खेल प्रतियोगिता थी, लेकिन जिला स्तर के खिलाड़ियों के अलावा यहाँ पे पंजाब और राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और हरियाणा के भिवानी, हिसार और जींद जिले के कुछ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। कुल 500 महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रतियोगिता समापन की ओर है और यहाँ पे रस्साकसी का फाइनल मुकाबला जो होने जा रहा है वो आपको हम दिखा देना चाहते हैं। मुख्य अतिथि इस फाइनल मुकाबले के समापन के अवसर पर पहुंच चुके हैं और खिलाड़ियों से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहां पे चौधरी रणजीत सिंह का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है और खिलाड़ी भी उनको अपना परिचय दे रहे हैं कि आखिर वो इस फाइनल मुकाबले को पूरी खेल भावना के साथ और लगन के साथ यहाँ पे खेलने वाले हैं। तो चलिए अब हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह जी जो पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है वो मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि सर सबसे पहले आपका के हरियाणा पे हम स्वागत करते हैं। जी जी थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से ग्राम पंचायत बने ने इस तरह के खेल महाकुंभ का आयोजन किया है, किस तरह का संदेश लोगों के अंदर? देखिए इस मामले की बहुत तारीफ़ काबिल है कि गांव में इस तरीके के गेम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और मैंने तो ग्राम पंचायत का इनका अपना सचिवालय भी देखा था, मतलब हर तरीके से बहुत बढ़िया इन्होंने करा। इलाके में ये लीडिंग पंचायत है और मुझे बड़ी खुशी है, इलाके को खुशी है कि इस तरीके के गेम, इस तरीके के इवेंट्स जिसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट करी है, रूरल कल्चर में ये आना बहुत बड़ी बात है और हरियाणा वैसे ही सब जगह डोमिनेट करता है। पूरे एशियन गेम्स में जो कबड्डी की टीम है उसमें 7 प्लेयर में 4 अकेले हरियाणा के हैं और 2 एक ही गांव के हैं, पानीपत के। चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में हम रेसलिंग में लें तो उसमें 70% हरियाणा ले रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं सरपंच को और गांव के लोगों को बधाई देता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रखे हैं और ये कर रहे हैं। सर सबसे बड़ी बात इस ग्राम पंचायत की ये है कि ग्राम पंचायत अपने लेवल पे तो जो कार्य करती है वो करती है, लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद क्लब के नाम से एक क्लब भी बना रखा है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े बच्चे तक भी हैं, तो इससे आप क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूँ जी बहुत बढ़िया बात है कि उम्मीद क्लब के पैटर्न में जो ये कर रहे हैं, छोटे से लेकर बच्चे बड़े तक लोगों को बड़ा इंसेंटिव मिलता है और बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि इस बात से बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे देख के आगे से आगे, क्रिकेट एक जुनून है, फुटबॉल है, आपका कबड्डी है, इन बातों से बच्चों का बड़ा अच्छा है, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा भविष्य है। सर इससे हटकर के अगर मैं आपसे थोड़ा सा सवाल करना चाहूँ तो आप जगह जगह रानिया हलके का दौरा कर रहे हैं, लोग काफ़ी समर्थन भी आपको मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में लोग किस तरह का सहयोग आपको कर? मैं समझता हूँ जी जो मैं इनसे मांग रहा हूँ उस तरीके से मुझे कहीं भी कोई कमी नहीं लग रही और पिछले 10 सालों से जो अब मुझे समर्थन मिल रहा है वो वाकई तारीफ काबिल है। बाकी समय आएगा तब लोग करेंगे, मैं अभी उस पर क्या कहूँगा। सर अक्सर देखा जाता है कि कुछ राजनेता लोग जो होते हैं वो केवल चुनावों के समय में बाहर निकलते हैं, वो जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं, लेकिन आप एक ऐसे नेता हैं जो चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी लोगों के बीच रहते हैं, तो क्या आपकी प्रतिक्रियाएं रहती है लोगों के प्रति?
मेरे यहाँ हमारे बाबू जी से लेके अब तक हमारे पारिवारिक संबंध, हम कभी ये समझते नहीं कि हमारा, हम इनके हर खुशी में गम में, राजनीति एक अलग चीज़ है, उससे भी हटके हम सारी बातों में हमारा इनके साथ बराबर पार्टिसिपेशन है और इनसे हमारा एक एक पारिवारिक लगाव है, वो हमेशा रहकर आगे भी पीढ़ियों में रहेगा। चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये थे पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी रणजीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो राजनीति को राजनीति के हिसाब से नहीं बल्कि अपने पारिवारिक रिलेशन के चलते यहाँ पे लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं और लोगों के साथ मिलना जुलना उनका चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी लगा रहता है। तो ऐसे में किस तरह से वो अपने आप को इस राजनीति से अलग रख करके लोगों के साथ अपने जो पुराने संबंध है उनको बरकरार रखे हुए हैं, तो ये वाकई में एक मानने वाली बात है, काबिले तारीफ बात है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्राम पंचायत बणी के सरपंच राम सिंह सहारन के पास कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं इस बारे में। ग्राम पंचायत बणी के सरपंच राम सिंह सहारन के पास जाने से पहले मैं आपको ये जो फाइनल मुकाबला रस्साकस्सी का होने वाला है, अभी अभी कुछ ही समय पहले जो मुख्य अतिथि थे चौधरी रणजीत सिंह जी, उन्होंने खिलाड़ियों के साथ वार्तालाप की, बातचीत की और खिलाड़ियों से उनका परिचय जाना और खिलाड़ियों को इस मैच के लिए शुभकामनाएँ भी दी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन सी टीम इन दोनों में से विजेता बनती है, विजयी हासिल करती है और ये फाइनल मुकाबला अपने नाम करती है। चलिए देखते हैं। तो काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा था, ये फाइनल मुकाबला था जो हरिपुरा और उम्मीद क्लब बणी के बीच में, दोनों टीमों के बीच में ये रस्साकस्सी का फाइनल मुकाबला खेला गया था। इसमें हरिपुरा की टीम ने अपना जोर लगाते हुए, अपना जोर दिखाते हुए, अपना दमखम दिखाते हुए बणी की टीम को पछाड़ दिया और ये रस्साकस्सी का अंतिम और फाइनल मुकाबला हरिपुरा की टीम ने अपने नाम किया। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सरपंच राम सिंह सहारन के पास कि आखिर उनका इस टूर्नामेंट को आयोजित करवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या वो दिखाना चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन करवाने के बाद किस तरह से युवाओं में किस तरह का संदेश जाता है। ये ग्राम पंचायत बणी और उम्मीद क्लब बणी के सहयोग से जो
टूर्नामेंट करवाए गए हैं। इसमें 35 इवेंट थे जिसमें लड़कियों की कुश्ती, लड़कों की कुश्ती, कबड्डी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रस्साकसी रेस, बहुत से ऐसे इवेंट हैं। ये इसलिए करवाया गया है ताकि ये ग्रामीण एरिया है, पूरा हमारा जो ग्रामीण एरिया है, इसमें एक अच्छा मैसेज आए, बच्चे खेल के प्रति जागरूक हो। जो एक बच्चे, जो नए युवा है जो नशे की तरफ जा रहे हैं, वो नशे को छोड़कर गेम की तरफ अपना ध्यान दे। सरपंच साहब, अगर मैं बात करूं इस टूर्नामेंट की, तो कितने दिनों तक ये टूर्नामेंट चला है और कौन कौन से इवेंट, किस प्रकार के इवेंट और कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया? ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट था हमारा, एक बार भी ये ट्रायल ही था। इसमें हम छोटे लेवल से लेके चले थे, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल तक गेम गया है। इसमें लगभग पानीपत, सोनीपत, हरियाणा के लगभग स्टेट डिस्ट्रिक्ट में से थे, दिल्ली में थे, दिल्ली से आए स्टूडेंट्स आए हुए थे, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आए हुए थे, राजस्थान से आए हुए थे, लगभग 300-400 टीमें यहाँ पर आई हुई थी और बहुत अच्छा सभी ने खेल दिखाया। सरपंच साहब, खेलों की अगर बात करूं मैं, तो खेल आप समय समय पर करवाते हो ग्राम पंचायत की ओर से, और अभी तो आपका एक उम्मीद क्लब भी बन चुका है, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस उम्मीद क्लब से। ग्राम पंचायत को इस उम्मीद क्लब से किस प्रकार की उम्मीद? हमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं, उसी तरह से हमारे गाँव के ये भविष्य हैं। ये एक मैसेंजर है जो लोगों तक पंचायत का मैसेज पहुंचाते हैं, जो सरकार की स्कीमें हैं वो पहुंचाते हैं, और खेल के प्रति बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है ग्राम पंचायत। तो ये थे ग्राम पंचायत बनी के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत बनी के मुखिया सरपंच राम सिंह सहारन। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस टूर्नामेंट के आयोजन के पीछे उनका एक ही मकसद है कि नशे से युवाओं को दूर रखा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होती हूँ किसी नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।